तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रूफ दिखा देता हूँ कि इस वीडियो में मैं बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने YouTube पे और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि फैक्ट वीडियो को कैसे बनाते हैं। तो इतना लिखने के बाद जैसे मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे या फिर सेकंड नंबर पे ऑलमोस्ट फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे कि इसी चैनल का एक वीडियो रैंक कर रहा है। फैक्ट वीडियो कैसे बनाए इस कीवर्ड पे मेरा एक वीडियो रैंक कर रहा है, इस पर के 11,000 के करीब व्यूज हैं और वो सर्च करने पर टॉप पे जा रहा है। अगर आप भी सर्च करेंगे तो आप में भी सबसे पहले मेरा ही वीडियो शो करेगा कि फैक्ट वीडियो को कैसे बनाते हैं। और इससे पहले जब मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था, इससे पहले मैं जाकर अपने यूट्यूब पर सर्च करता था कि फैक्ट वीडियो कैसे बनाते हैं, तो कुछ ये वीडियो आते हैं और जिन पर की लाखों में व्यूज है और वो अभी दूसरे या तीसरे या फिर चौथे नंबर पर रैंक कर रहे हैं और मेरा वीडियो पहले नंबर पर रैंक कर रहा है। वो चीज हो कैसे रहा है, मतलब मेरा कीवर्ड रैंक कैसे कर रहा है, मतलब उन लाखों के व्यूज को मैंने नीचे करके अपने वीडियो को उस जगह पर रैंक कैसे करा है, तो वो चीज कैसे हुई है। तो गाइस मैं बता दूं, इसके लिए मैंने यूज किया था vidIQ एप्लीकेशन का। vidIQ एक यूट्यूब सर्टिफाइड एप्लीकेशन है। तो देखो गाइस, ये वीडियो कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है जो मैं vidIQ के लिए बार बार के झूठ बोलने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने उसको पर्सनली यूज किया है और प्रैक्टिकली करके भी देखा है, मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिला है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को अगर वीडियो अपलोड या फिर उसका SEO करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उसका कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूँ कि vidIQ एप्लीकेशन क्या करता है, तो ये आपकी वीडियो को अपलोड होने के पहले आप लोगों को बता देता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करिए, उसके बाद अपनी वीडियो को अपलोड करिए, उसके बाद ये सर्च में भी जाएगी, इस पर व्यूज भी आएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चाहता हूँ, उसको एक वीडियो को अपलोड करता हूँ। ठीक है, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं उसको उसका SEO करता हूँ और उसको देखता हूँ कि किस तरीके से वो नंबर देता है और वो किस तरीके से वीडियो को रैंक करता है। ठीक है, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड मेरा नाम है शिवम एंड यू वाचिंग डिजिटल गिलीज यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं एक एग्जांपल एज ए एग्जांपल मैं एक वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि vidIQ इसके बारे में क्या बताता है, आपका वीडियो सही है या फिर नहीं। मैं यहाँ पर यूट्यूब पर चलता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ही वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला थंबनेल कोई सा भी लगा देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ कि फैक्ट वीडियो कैसे बना। ठीक है, इतना लिख देता हूँ, अनलिस्टेड कर देता हूँ। ठीक, अपलोड कर देता हूँ और वो वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपने vidIQ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं उस वीडियो की एनालिटिक्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो मेरा वीडियो पर रैंक कर रहा है, अभी टॉप पर रैंक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं उसको एक गलती आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये वीडियो को किस तरीके से बताता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि मैंने इतने सारे टैग लगा रखे हैं और यहाँ पर आप देख सकते होंगे यहाँ पर दो नंबर पर जो टैग रैंक कर रहा है, फैक्ट वीडियो कैसे बनाए, फैक्ट वीडियो कैसे बनाते हैं और यहाँ पर अमेजिंग फैक्ट वीडियो कैसे बनाते हैं, इस टैग पर मेरा वीडियो रैंक कर रहा है। यहाँ पर मैं SEO पर क्लिक करता हूँ और SEO पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर SEO जो होता है 50 नंबर का vidIQ देता है, तो यहाँ पर 50 में से 46% मेरा SEO परफेक्ट है, सही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टैग काउंट, यहाँ पर टैग वॉल्यूम, कीवर्ड इन टाइटल, कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन, सेम टाइटल यूज इन टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग, तो कुछ इस तरीके से इसने यहाँ पर 50 में से 46 नंबर यहाँ पर दिए हैं। और यहाँ पर चेक लिस्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो vidIQ ये बोलता है कि आप 60 करेक्टर के ही अपना टाइटल लेंथ रखें, मतलब आपने टाइटल को ज़्यादा लेंथी नहीं रखना है, 60 वर्ड के अंदर ही रखना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन भी सही है, टैग भी सही है, यहाँ पर क्लोज कैप्शन मैंने अपनी वीडियो पर कैप्शन नहीं लगाया है और ये वीडियो पब्लिक है, इस पर भी टिक है। मैंने यहाँ पर वीडियो को शेयर नहीं किया है, शेयर्ड ऑन फेसबुक, यहाँ पर वीडियो को शेयर भी नहीं किया है। ऐड वन टैग इन टाइटल, टैग भी यहाँ पर टाइटल में भी है और यहाँ पर लिख रखा है ऐड टाइटल इन डिस्क्रिप्शन, क्या आपका टैग डिस्क्रिप्शन में भी है, तो यहाँ पर भी ओके लिख रखा है। और यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाना होता है, लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन में है और हैश टैग भी हमारा डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हमें बताता है कि आपके वीडियो क्या सही है और क्या गलत है। तो ये तो रही उस वीडियो की बात जो अभी रैंक कर रहा है और अभी इस पर व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं उस वीडियो को यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ जो वीडियो मैंने अपलोड किया है और उसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ पर बैक करता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाला वीडियो ले लेता हूँ, यहाँ पर अनलिस्टेड है, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं SEO पर क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे कि 50 में से मुझे एक नंबर भी अभी नहीं मिला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ वीडियो को अपलोड किया है और यहाँ पर नए मैंने टैग लगाया है, नहीं यहाँ पर कीवर्ड लिखा है, नहीं यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन लगाया है और नहीं यहाँ मैंने सेम टाइटल को डिस्क्रिप्शन में लगाया है, मैंने यहाँ पर कुछ भी इस वीडियो में नहीं किया है, तो यहाँ पर मुझे 00 नंबर दे रहा है।
ठीक है, जिस जिस तरह से मैं अपने कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, हैशटैग लगाऊंगा, उस हिसाब से ये हमें नंबर देता चला जाएगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर 50 में से अगर 46, 47, 48 इतने नंबर अगर आ रहे हैं तो आपका वीडियो रैंक करेगा। ठीक है, अगर इससे अंदर आपके आ रहे हैं तो आपको अपनी वीडियो में कुछ एडिट करने की ज़रूरत है। हमें एक परफेक्ट वीडियो के लिए हमें 46 या फिर 47, 48 नंबर लाने होंगे इस 50 में से। तो यहाँ पर चलो मैं अपने इस वीडियो की SEO करना शुरू करता हूँ और इस हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर नंबर दिखाऊंगा कितने नंबर मुझे मिल रहे हैं। तो चलो मैं इस वीडियो का SEO शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर टैग लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा फैक्ट वीडियो कैसे बनाएं और यहाँ पर लिख देता हूँ फैक्ट वीडियो कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, हाउ टू मेक फैक्ट वीडियो। तो मैंने यहाँ पर यह टाइटल लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया पब्लिश चेंज टू योर वीडियो। मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करता हूँ और आगे का SEO मैं YT स्टूडियो पर चल के करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक टाइटल लिख दिया है, अब इसी टाइटल को मैं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसके लिए हमें टैग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अपनी वीडियो के लिए टैग की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर टैग भी ले लेता हूँ। मैं यहाँ से ले लेता हूँ फैक्ट वीडियो कैसे बनाएं और यहाँ पर सर्च करता हूँ और यहाँ पर इतने सारे टैग आ जाएंगे और यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर अपनी वीडियो पर आ गए और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इन्हीं कीवर्ड को मैं टैग में भी लगा देता हूँ और अब आप देखेंगे कि उसमें नंबर किस तरीके से बढ़ेंगे, इतना करने के बाद उस पर नंबर कितने बढ़ चुके होंगे। यहाँ पर टैग पर चलता हूँ, मैंने जितने सारे कीवर्ड वहाँ पर कॉपी किए थे और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेरे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने ये कीवर्ड भी लिख दिया है और यहाँ पर टैग में जाएंगे तो मैंने यहाँ पर टैग भी लगा दिए हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर वीडियो के ऊपर, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ वीडियो के ऊपर और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं SEO पर चलता हूँ। SEO पर जाने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर 50 में से मुझे 46 नंबर मिल चुके हैं। कितना किया है मैंने, टैग लगाया है, मैंने अपने टाइटल लगाया है और वही टाइटल को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दिया और मैंने कीवर्ड को भी टाइटल में लगा दिया और वही कीवर्ड को मैंने टैग में भी लगा दिया। आप लोगों को देखा होगा टैग में भी लगा दिया है। यहाँ पर चेकलिस्ट पर चलते हैं, तो चेकलिस्ट आपको ये बताएगा कि और आपकी वीडियो में क्या कमी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 60 करेक्टर का यहाँ पर आपका टाइटल होना चाहिए, मतलब लेंथ आपका जो टाइटल का लेंथ है ना वो अभी ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 60 करेक्टर का जो आपका टाइटल होना चाहिए या और यहाँ पर मैंने 80 करेक्टर का यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इस टाइटल को थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, मैं इस टैग को हटा देता हूँ जो भी इंग्लिश में लिखा है, इस टैग को यहाँ पर हटा देता हूँ और यहाँ पर पब्लिक चेंज यूअर वीडियो कर देना है और यहाँ पर चेकलिस्ट पर क्लिक करना है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेरा ग्रीन हो चुका है, टाइटल भी ग्रीन हो चुका है और यहाँ डिस्क्रिप्शन लेंथ भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5000 वर्ड यहाँ पर यूज़ करने के लिए होते हैं और मैंने यहाँ पर 518 वर्ड यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो इस पर भी ग्रीन टिक है, मतलब ये भी ओके है। और यहाँ पर टैग भी ओके है क्योंकि 500 वर्ड का यहाँ पर टैग लिखा जाता है और यहाँ पर मैंने 492 वर्ड का यहाँ पर टैग भी लिख दिया, तो यहाँ पर ये भी ओके है। तो और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि क्लोज कैप्शन, मैंने अपनी वीडियो पर कैप्शन नहीं लगाया है, नहीं तो ये भी टिक होता है। अभी आपकी वीडियो मेड पब्लिक है, नो अभी पब्लिक नहीं है, ये अभी वीडियो अनलिस्टेड पर भी है। तो और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर ऐड टैग इन टाइटल, मैंने एक टैग को अपने टाइटल में भी लगा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ऐड वन टैग इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टैग को लगा रखा है इसलिए ये ठीक है। यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए, आपकी हर ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए तभी आपका वीडियो जो है वो रैंक में जाएगा। और यहाँ पर लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ये क्रॉस गाइस इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने कोई भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला है। यहाँ पर मैंने एक लिंक को भी लगा दिया है। अब यहाँ पर पब्लिश चेंज टू योर वीडियो, या इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग फिर से यहाँ पर चेकलिस्ट पर चले जाना। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन वाला भी ऑप्शन टिक हो गया है, ये भी सही हो गया। अब आपकी वीडियो में कमी क्या है, अब आपकी वीडियो में कमी ये है कि आपने हैशटैग नहीं लगाया है, डिस्क्रिप्शन में कोई भी हैशटैग नहीं लगाया है। चलो हैशटैग भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है, हैशटैग भी लगा देते हैं। अपने अपने चैनल का हैशटैग लगा देता हूँ, डिजिटल ग्लिच
एंड डीजी अपने, और यहाँ पर फैक्ट भी लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर हैशटैग भी लगा दिया, इसको सेव कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका हैशटैग वाला सेक्शन भी ओके हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप 15 हैशटैग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इसने 50 में से 46 नंबर मिल चुके हैं इस वीडियो को। तो मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा था कि अगर आपको अपनी वीडियो को अपलोड करने का कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है, कि मैंने अपनी वीडियो पर गलती क्या है, इस वजह से व्यूज़ नहीं आए, तो आप वीडियो आई क्यू का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको अपलोड होने से पहले आप लोगों को बता देगा कि इसमें कमी क्या है, और अब इस कमी को आप सॉल्व करिए, अपनी वीडियो को पब्लिश करिए। ठीक है, अभी ये वीडियो पब्लिश नहीं है। कुछ इस तरीके से आप SEO कर सकते हैं, आपका जो 50 में से 46 या फिर 47-48 नंबर आ जाना चाहिए, और चेकलिस्ट में भी ये सभी टिक ग्रीन होने चाहिए। क्रॉस क्यों है? क्योंकि मैंने अपनी वीडियो पर कोई भी कैप्शन नहीं लगाया, अब मैं चाहता तो कैप्शन भी लगा सकता था, ये भी टिक हो जाता, और यहाँ पर अपनी वीडियो को अपलोड नहीं किया है, अपलोड हो जाता तो ये भी टिक हो जाता है। 1% को मैं अगर शेयर भी कर देता इस वीडियो को, ये भी टिक हो जाता, यहाँ पर सभी टिक हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियो का SEO कर सकते हैं अपना दिमाग बिना चलाए। ये ऐप आप लोगों को खुद बताएगा कि आपकी वीडियो में प्रॉब्लम क्या है। जब आपको पूरी तरीके से ये ग्रीन हो जाए और आपको अच्छी तरीके से अपने टैग SEO का नंबर मिल जाए, तो आप अपनी वीडियो को पब्लिश कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस।